एनुअल फिल्म के जरिए एक बार फिर से बॉबी देओल कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के किरदार पर भारी पड़े। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले जब एनुअल फिल्म का ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया था तो ट्रेलर के लास्ट में हल्की सी झलक बॉबी देओल की दिखाई गई थी, जहां उस पूरे ट्रेलर वीडियो में रणबीर कपूर छाए हुए थे, लेकिन कुछ ही सेकंड के झलक ने बॉबी देओल को एकदम से लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया था। और यही कुछ कारनामा अभी हालिया में रिलीज हुए फिल्म के दूसरे ट्रेलर वीडियो में भी देखने को मिला। 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म एनिमल कई मायनों में खास है, और इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर और बॉबी देओल का अहम किरदार होने वाला है। साथ ही रजनीका मंदाना इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं। लेकिन बात करें फिल्म के दूसरे ट्रेलर वीडियो के, तो फिल्म का दूसरा ट्रेलर वीडियो भी काफी धमाकेदार रहा है, जहां पर रणबीर कपूर के खूंखार वाले लुक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। एक बार फिर से बॉबी देओल का किरदार कहीं ना कहीं रणबीर कपूर पर भारी पड़ा, और कुछ ही सेकंडों के भीतर बॉबी देओल ने जो करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं रणबीर कपूर बॉबी देओल से ज्यादा लाइमलाइट नहीं ले पाए। बॉबी देओल वही है जो अपने खराब दौर की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से लगातार उनके करियर ने ऐसी पलटी मारी है कि मानो अब उनके नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। यही बड़ी वजह है कि एनिमल फिल्म के माध्यम से उनका एक किरदार भी खूब चर्चाओं भरा रहा है, जिसकी चर्चा इन दोनों की जा रही है। एनिमल फिल्म के निर्देशक हैं संदीप रेड्डी वेंकट। इन्होंने इस फिल्म की खूबसूरती को बड़े पर्दे पर इस कदर पेश करने की कोशिश की है जिसे देखने के लिए 1 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार, और फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल के अलावा रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी जैसे शानदार कलाकार हैं। और कुल मिलाकर यह फिल्म 2023 की मोस्ट वेटेड फिल्म में से एक है। आज से कुछ दिन पहले इस फिल्म के टीजर वीडियो को दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था, जहां पर फिल्म से जुड़े कलाकार रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने शिरकत की थी, जिसकी तस्वीरें व वीडियो भी खूब वायरल हुई। और इसी कड़ी में जब एनिमल फिल्म का दूसरा ट्रेलर वीडियो रिलीज किया गया तो यहां पर एक बार फिर से बॉबी देओल ने रणबीर कपूर के किरदार पर भारी पड़े और सारी लाइमलाइट वही ले गए। बल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, और आप एनिमल फिल्म में किस अभिनेता के किरदार को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं? क्या वो रणबीर कपूर है या फिर बॉबी देओल? अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से।